हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आज हम लोग ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। दोस्तों, रात को जब रेलवे स्टेशन पर कोई भी नहीं रहता है, तब रात के 2 बजे के करीब ट्रेन अपने आप चलने लग जाती है। दोस्तों, लोग बोल रहे कि हमारे रेलवे स्टेशन पर एक भूतिया औरत और एक भूतिया लड़के का कब्जा हो चुका है। वो रात को 2 बजे घूमते हैं और उनका मन करता है वो करते हैं। भाई, वैसे इस ट्रेन की स्पीड मामूली ट्रेन से बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, लोगों ने उस भूतिया लड़के को उस ट्रेन के पीछे पीछे भागते हुए भी देखा है। तो दोस्तों, आज रात को हम लोग उस ट्रेन को रोकने वाले हैं। वैसे भाई, रात होने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है? सूरज किधर गया भाई, टाइम तो बता दे मेरे को। ओ, सूरज तो नहीं है, इसका मतलब रात होने वाली है और हमें भाई जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। वैसे भाई, इस काम के अंदर हमारे फ्रैंकलिन भैया की मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये भाई बहुत डेंजरस है भाई, वो बहुत लोग मार डालेंगे हमारे फ्रैंकलिन भैया को। लेकिन बट मेरे पास में एक प्लान है भाई, और वो प्लान शायद काम कर सकता है भाई। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं उसी रेलवे स्टेशन पर, जिस रेलवे स्टेशन पर रात को भूत लोग भटकते हैं। ऐसा भाई मैं तो कभी देखा नहीं, लेकिन भाई सुना जरूर है। और हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। तो सबसे पहले भाई हम लोग नीचे उतरते हैं। ओ, ये क्या भाई, ये किसने धक्का मारा मेरे को? ये दिन के अंदर भी भूत लोग आ गए क्या? नहीं, शायद भाई ग्लिच होगा, क्योंकि दिन के अंदर भूत लोग थोड़ी आते हैं। वैसे भाई, ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर हम भाई पहले बहुत मौज मस्ती किया करते थे, लेकिन भाई अब तो ये एकदम सूना पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता है भाई। इतना डरने लग गए हैं लोग इसके नाम से। और ये देखो भाई, यहाँ पे बेंच भी रखी हुई है, और शायद यहाँ पे भूत लोग आके रात को सोते होंगे शायद। तो भाई, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी नहीं है भाई, ताकि हमारे रेलवे स्टेशन पर भाई उजाला हो सके। और मेरे पास में भाई प्लान भी है, हम लोग इस ट्रेन को आज रात को रोक कर रहेंगे। तो चलते हैं भाई, अपनी बाइक पे बैठते हैं और इस ट्रेन को रोकने का प्लान स्टार्ट करते हैं। वैसे भाई, अगर ये ट्रेन रात को मेरे से नहीं रुकी ना, तो भाई मेरा भाई इसको रोक ही लेगा भाई। वो काफ़ी डेंजरस है, उसके पास में पैसा है, गाड़ी सब चीज़ है, और उसका नाम है मुन्ना भाई। तो भाई यो, हम लोग भाई पेट्रोल पंप के पास में बहुत सारे फायर इंजन और बड़े बड़े ट्रक खड़े करने वाले हैं बिल्कुल इस ट्रेन की सीध में, पटरियों पे भाई, ताकि ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन क्या हमारा फायर इंजन और बड़ा वाला ट्रक इस ट्रेन को रोक पाएगा, वो तो मेरे को नहीं पता। लेकिन हम लोग भाई छुप कर देखेंगे बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास में से। भाई मैं ज़्यादा करीब नहीं जाने वाला उस ट्रेन के। तो फिलहाल चलते हैं भाई पटरियों पर, जाल बिछाना चालू करते हैं उस ट्रेन के लिए, और रात में भाई उसकी हालत ख़राब होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग भाई बहुत सारे ट्रक इकट्ठा कर लेते हैं। इस ट्रक की बात कर रहा हूँ भाई, जो कि अभी ऐड हुआ है। ये देखो भाई कितना बड़ा ट्रक है, और इसके जैसे भाई मैं कम से कम 20 से भी ज़्यादा ट्रक बुलाने वाला हूँ। तो फिलहाल भाई बुलाना स्टार्ट करते हैं और फायर इंजन भी बुलाएंगे, फिर देखते हैं कि ये ट्रेन आखिर आगे बढ़ती कैसे है। वैसे भाई इनकी टक्कर बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाली है। तो भाइयों, मैंने बहुत सारी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी है, गाड़ी नहीं भाई, ये फायर इंजन और बड़े वाले ट्रक खड़ा कर दिए है। अभी बस रात होने का इंतज़ार है, और इनकी टक्कर देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। वैसे हम लोग भाई इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? अरे नहीं भाई, यहाँ पे सीढ़ियाँ तो लगी हुई है, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। और इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर तो शायद, हाँ चढ़ गया भाई, इसके ऊपर तो हम लोग चढ़ सकते हैं। तो भाई यो, हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी घर पे चलते हैं, रात को आएंगे। फ्रैंकलिन, तू उन भूतों से पंगा मत ले, वरना वो तेरे को मार डालेंगे, वो ट्रेन से किसी को भी काट सकते हैं। अरे दीदी, मैं कोई ट्रेन के पास में थोड़ी जाऊंगा भाई, और मैं ना ही रेलवे स्टेशन के पास में जाऊंगा। मैं तो यहीं से भाई दूर से खड़ा होकर देखूंगा कि भाई वो ट्रेन रुकती भी है या फिर नहीं रुकती है। और वैसे भाई आपकी बात भी सही है भाई, यानी वो भूत लोग भाई किसी को भी ट्रेन से काट सकते हैं। फिलहाल चलते हैं भाई घर पे, और रात को आएंगे अभी तो भाई। 3 hours later. तो भाइयों, रात बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है, और 12 तो बज गए भाई, अब कम से कम 2 घंटे हमें वेट और करना पड़ेगा। वैसे भाई हम लोग पेट्रोल पंप के पास में आ चुके हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे नहीं जाने वाला भाई, क्योंकि वहाँ पे तो अभी भाई बहुत ज़्यादा खतरा है। तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करते हैं। वैसे 1 सेकंड भाई, हम लोगों ने वो फायर इंजन वगैरह खड़े किए थे ना, तो थोड़ा बहुत उतर के देख लेते हैं कि भाई वो सही सलामत तो है ना, या फिर किसी ने यानी उनको चुरा लिया। वैसे दिख गए भाई, मेरे को दिख चुके वो एकदम सही सलामत है, यानी मैंने जितना खड़ा किया था ना उतना ही है। चलो ठीक है भाई, ये काम तो एकदम ठीक हो चुका है, और अभी 2 बजने वाले है। तो चलते हैं भाई पेट्रोल पंप के पास में, मैं यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि पटरियों के पास में रात के समय में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए भाई हम लोग पटरियों के पास में नहीं जाएंगे, भूलकर भी नहीं जाएंगे। और दोस्तों, आज रात बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है, क्या भूत लोग आएंगे उस ट्रेन को चलाने के लिए? अभी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तो भाई बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और शायद 2 बज गए भाई, ट्रेन चली क्या?
आ तो रही है भाई, ट्रेन चली। चलो भाई जल्दी से बाइक से नीचे उतरते। फ्रैंकलिन भैया क्या भाई, डर लग गया क्या तेरे को? जल्दी से उतर और हेलमेट काहे लगा लिया भाई। चलो दोस्तों जल्दी से चलते और इनकी टक्कर देखते क्या ट्रेन रुकेगी इनसे। अरे नहीं भाई, ट्रेन तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के अंदर चल रही है और ये टक्कर 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 हो गई। और ये क्या भाई, ट्रेन की स्पीड तो कम हुई लेकिन ये क्या भाई, हमारे फायर इंजन और ट्रकों को तोड़कर आगे चली गई ट्रेन तो। ओ सेठ भाई, इतनी मेहनत से ये सब चीज़ लगाई थी लेकिन ट्रेन तो भाई इनको तोड़कर आगे चली गई। चलो भाई कोई नहीं, हमारे पास में बाइक है, हम लोग भाई उसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो ट्रेन जाती कहाँ पे है, आखिर वो भूत लोग भाई किससे मिलने के लिए जाते हैं। हम लोग आज उनको नंगे हाथों पकड़ने वाले हैं भाई, इसलिए जल्दी से बाइक पे बैठ चुके हैं और स्पीड से चलते हैं भाई। अभी दीदी हटो सामने से, ट्रेन तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी। ये देखो भाई, मेरे को तो दिख ही नहीं रही है कहाँ पे चली गई इतनी जल्दी, आसमान में थोड़ी उड़ रही है भाई, ये लग तो ऐसा ही रहा है आसमान में चली गई क्या, मेरे को नहीं पता लेकिन शायद जा भी सकती है। भूत लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, आसमान में भी चला सकते हैं ट्रेन को। और यार ट्रेन की बत्ती भी तो नहीं जलती है ना, और एक हमारी बत्ती भी नहीं जल रही है। चलो भाई जल्दी से बत्ती तो जला लेते हैं। और अब देखी भाई ट्रेन मेरे को, ओ सेठ भाई ट्रेन तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में है लेकिन हम लोग पकड़ लेंगे भाई उसको, हम लोग पकड़ लेंगे। और अगर नहीं पकड़ पाए तो मेरा भाई तो है ना भाई, उसको रोकने के लिए उसने भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके रखी है। और ये ट्रेन भाई एकदम घूम घूम के कैसे चल रही है, बहुत लोग आ रहे, हम लोग भाई हमें मारना मत, बस ये एहसान कर देना हमारे ऊपर। और लाइट बंद करे या चालू करे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चालू ही कर लेते हैं भाई। रुको रुको भाई, इसको रोकना कैसे है भाई, लेकिन ये रुकेगी कैसे भाई, मैं आगे जाऊंगा इसके तब शायद रुकेगी क्या। नहीं भाई, हम लोग तो यही देख लेंगे कि भाई ये आखिर जाती कहाँ पे है, क्योंकि रोक तो अभी सकते नहीं ना इसको, वैसे हमारी स्पीड भी ज़्यादा है भाई, मेरे पास में बहुत। ओह अरे ये क्या हुआ भाई, मैं अरे नहीं यार, अब तो हम लोग उसको कभी ज़िंदगी में भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन हमारे पास में एक मौका ज़रूर है भाई। हम हमारे भाई को कॉल मिलाते हैं और बोलते हैं कि भाई ट्रेन तेरे पास में आ रही है और तू जाने और ट्रेन जाने, भाई तेरे को कुछ भी यानी किसी भी हालात में उसे रोकना ज़रूर है, क्योंकि हम लोग भाई अभी उसको नहीं पकड़ सकते। इसलिए कॉल मिलाते हैं सीधा अपन के मुन्ना भाई को, जल्दी से नंबर डायल करते हैं भाई, क्या नंबर थे उसके, जल्दी से डायल हो जा भाई। और ये डायल तो हो गए, अब मिलाते हैं सीधा उसको कॉल। अरे भाई ट्रेन तेरी तरफ ही आ रही है, जल्दी से उसको रोक ले ब्रो। अरे भाई टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना भाई, ट्रेन का बाप भी तीन बार रोकेगा इधर, चलो ठीक है ब्रो। तो भाई यो ये है फ्रैंकलिन का छोटा भाई और ये अपने इलाके का बहुत ही बड़ा डॉन है भाई। ये भाई भूत से तो क्या, ये अपनी मौत से भी नहीं डरता है। और आप लोगों ने भाई अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो भाई, जल्दी 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 से कर दो। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी भाई कमेंट में भी जरूर बता देना। तो मिलते हैं भाई फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।